आज मैं आप लोगों को हैंड हैमर के बारे में बताएंगे। हैमर किसे कहते हैं, दूसरा इसका उपयोग किस लिए करते हैं और कहाँ करते हैं, यह किस मटेरियल का बना होता है, हैंड हैमर के कितने पार्ट्स होते हैं और हैंड हैमर कितने प्रकार के होते हैं। ये जो है आपका हैमर हुआ, हैमर एक प्रकार का हैंड टूल्स है। ये क्या है, एक हैंड टूल्स इसे कहते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग किसी लोहे को पीटने के लिए या कटोरी नुमा आकार में बनाने के लिए इस हैमर का प्रयोग करते हैं। हैमर अधिकतर कास्ट स्टील या ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ये जो मटेरियल बना हुआ है, ये पूरा मटेरियल, ये मटेरियल किस मटेरियल का रहता है बोलिए, हाई कार्बन स्टील या ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अब हैंड हैमर के निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं, ये जो हैमर है इसके क्या है निम्नलिखित भाग होते हैं, ये जो भाग है इसको पिन बोलते हैं, ये यहाँ वाले जो भाग है होते हैं इसे वेज कहते हैं, ये पूरा जो अंडाकार जो बना हुआ रहता है इसे हम आई होल कहते हैं, इसे हम लोग हैंड बोलते हैं हेड, ये वाला भाग को चिक कहते हैं और ये वाले भाग को हैंडल कहते हैं। अब इसमें पता करना है कि पिन किसे कहते हैं, वेज किसे कहते हैं, आई होल किसे कहते हैं, हैंड किसे कहते हैं, चिक किसे कहते हैं, हैंडल किसे कहते हैं। अब देखिए पिन है, नंबर एक क्या है पिन है, पिन किसे कहते हैं, हैमर के हेड वाले भाग के, हैमर के क्या होता है हेड वाले भाग को पिछला हिस्सा को पिन कहते हैं, जो कि गोलाकार आकार के बने होते हैं। ये कैसा आकार का होता है, ये गोलाकार आकार का होता है, इसीलिए इसको पिन बोलते हैं। अब दूसरा है वेज, ये वेज किसे कहते हैं, हैमर के हैंडल को मजबूती से फिक्स या पकड़ने के लिए हैंडल के बीच में एक छोटी सी कील दिया हुआ रहता है। क्या रहता है, ये जो आपका हैमर है, ये हैंडल है, इसको फिक्स करने के लिए ताकि ये स्लिप ना हो जाए, इसीलिए इसको वेज दे देते हैं, तो इससे ये फिक्स हो जाता है, इसीलिए वेज कहते हैं। अब दूसरा है क्या है, चीक, ये गर्दन, चीक किसे कहते हैं, चीक जो होता है हथौड़े के मध्य भाग जहाँ पर हैंडल फिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, चीक कहते हैं। ये जो हैमर है इसका हैंडल वो फिक्स करते हैं, इसमें सेट करते हैं, ये वाले भाग में इसी को चीक कहते हैं। उसके बाद आई होल, ये अंडाकार आकार का बना होता है, इसे ही आई होल कहते हैं। आई होल हथौड़े के वह भाग जहाँ पर हैंडल फिक्स किया जाता है उसे आई होल कहते हैं। आई होल का आकार कैसा होता है, अंडाकार आकार का होता है। अब कोई भी पूछ लेगा कि आई होल ये अंडाकार ही क्यों होता है, गोल भी तो हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो होता है हैमर के हैंडल जो सेट करते हैं वो अंडाकार होता है, जिससे कि वेज को उसमें सेट करने में आसानी से हो जाता है सेट। उसके बाद हैंडल, ये जो भाग है इसी को क्या कहते हैं, हैंडल कहते हैं। हथौड़े को चलाने के लिए आई होल में जिस लकड़ी का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हैंडल। अब कोई पूछे हैंडल किसे कहते हैं, आसानी से बोल सकते हैं, हथौड़े को चलाने के लिए आई होल में जिस लकड़ी का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हैंडल कहते हैं। अब देखिए होता है क्या है कि ये तो हैमर के बारे में जान गए, अब हैमर का प्रकार क्या होता है, सभी काम करने के लिए अलग अलग प्रकार होता है, एक काम से तो सभी काम नहीं हो पाता है। अब कोई भी चदरा पर यदि काम करेंगे तो उसके लिए तो हमको हैमर का दूसरा चॉइस करना पड़ेगा, या तो कोई भी जॉब, ये जॉब है, इस जॉब में कील को ठोक दिए, कील इसमें कांटे ठोका हुआ है, उस कांटे को निकालने के लिए
अब चाहेंगे कि नहीं हम बॉल पेन हैमर को हम यूज करेंगे तो वहाँ पर तो इसका यूज नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या होगा, पिन को निकालने के लिए क्लो हैमर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह आज हैमर जो होता है, हैमर कितने प्रकार के होते हैं ये बता देते हैं। पहला होता है बॉल पेन हैमर, आज बॉल पेन हैमर होता है, क्या होता है, हैमर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। नंबर एक हैमर, बॉल पिन हैमर। दूसरा होता है क्रॉस पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन हैमर। थ्री नंबर आपका स्ट्रेट पिन हैमर। चार नंबर आपका हो गया बूटेन इन लकड़ी का हैमर। आपका फाइव नंबर हो गया रबर हैमर हो गया। उसके बाद सिक्स नंबर हो गया चमड़ा का हैमर। उसके बाद प्लास्टिक का हैमर। आठ नंबर आपका हो गया लेड हैमर। नाइन नंबर हो गया आपका क्लो हैमर, जिसके बारे में आपको बताया कांकील को निकालने के लिए इसी हैमर का प्रयोग करते हैं, क्लो हैमर। हैंड हैमर हो गया। और नेक्स्ट लास्ट में स्लेज हैमर। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सब क्या हुआ आपका प्रकार हुआ हैमर का प्रकार, जिस तरह भी हैमर इसे कहते हैं। और हैमर का प्रकार जो होता है ये मुख्य रूप से 11 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको ये जो 11 प्रकार का जो हैमर होता है इसके बारे में हम पूरा विस्तार से बताएंगे। आज का क्लास हम यहीं पे आपका समाप्त करते हैं।